हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिलते ही अब बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस का मुखिया सुक्खू झूठ बोलने में माहिर है, क्योंकि अपनी सरकार के होते हुए कांग्रेस मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ नहीं कर पाई है, लेकिन अब 5 माह में बीजेपी सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए मंजूरी ले ली है तो कांग्रेस छटपटा रही है। हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के नेता झूठ बोलने में माहिर हैं और कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में केंद्र के प्रोजेक्टों को रुकवाने का काम किया है और आज तक नकारात्मक राजनीति ही की है। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज से लेकर झूठ बोलने तक सारे रिकॉर्ड कांग्रेस के आज तोड़े हैं। मुझे नहीं पता कांग्रेस झूठ के कितने रिकॉर्ड तोड़ेगी। फेक न्यूज से लेकर झूठ बोलने तक कांग्रेस ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और जब कांग्रेस का मुखिया ही झूठ बोले तो उस पार्टी कितनी झूठ बोलती होगी इससे अंदाजा लगता है। अपनी सरकार में तो कोई क्लीयरेंस कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नहीं करवा पाए, ना मंजूरी दिला पाए। जब हमने 5 महीने लगातार दिन रात एक करके मंजूरी दिला दी, हमीरपुर के लिए 300 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज ले आए, इस महीने उसका उद्घाटन करवा देंगे, तो कांग्रेस को दर्द किस बात का है? इस बात का है कि हमीरपुर में इस प्रदेश के बच्चे डॉक्टरी की और नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कांग्रेस को दर्द इस बात का है कि मैंने एम्स अस्पताल बिलासपुर के लिए मंजूर करा दिया, मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज बिलासपुर के लिए मंजूर करवा दिया। क्या कांग्रेस को दर्द इस बात का है कि मैंने PGI अस्पताल ले आया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले आया, ये सारे प्रोजेक्ट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज तक सब कांग्रेस ने रुकवाने का ही काम किया था। आंकड़े दिखाते हैं, कांग्रेस का 5 वर्ष का कार्यकाल दिखाता है कि कांग्रेस ने केवल नकारात्मक राजनीति की है, सत्ता में भी और विपक्ष में भी वही कर रही है।